कल ही मेरे यहाँ मीटिंग है। अब इसके बाद हम जीपीएस सिस्टम टोल नाका कर रहे हैं, तो टोल नाके खत्म कर देंगे और आपके गाड़ी को, नए गाड़ी को तो जीपीएस लाके आता है, पुराने गाड़ी में हम फुकट में हमारे तरफ से खरीदी करके आपको जीपीएस लगा देंगे जैसे फास्टैग का, और वो जीपीएस सैटेलाइट से जुड़ा होगा और जहां से आप एंट्री करेंगे वहां रजिस्टर हो जाएगा, जहां से बाहर निकलेंगे वो भी रजिस्टर हो जाएगा, उतना ही टोल आपको देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सदस्य कहते हैं और सही भी है कि शहर के बाहर में ही टोल नाका खड़ा किया है, पुराने सरकार में कर दिए थे, हम नहीं निकाल पाए उसको क्योंकि वो कॉम्पेंसेशन मांगते हैं, तो वो भी बीमारी चली जाएगी और पूरी तरह से ट्रैफिक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और सिस्टम होगी। जब एक सन्मान्य सदस्य ने एक बात बताई थी जमशेदपुर की, तो हम लोग स्पीकर महोदय अभी हम लोग नई सिस्टम कर रहे हैं चेन्नई में और पूना में, तो उसी के आधार पर एक अच्छे डिजाइनर को मैंने कहा है कि पहले नीचे में रोड होगा 6 लेन या 8 लेन, उसके ऊपर में फ्लाईओवर होगा और फ्लाईओवर के ऊपर और एक फ्लाईओवर होगा और उसके ऊपर एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर चलेगी, ऐसी चेन्नई और पूना के लिए डिजाइन किया है। जमशेदपुर के लिए भी हमने नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में और एक फ्लाईओवर, क्योंकि इनका TCOs काफ़ी ज़्यादा है और शेखावत जी की कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका एक डिज़ाइन ऐसा कर रहा है, तो अब आने वाले अभी केवल बिल्डिंग नहीं बनेगी तो फ्लाईओवर भी डबल डेकर 3 लेयर के बनेंगे, तो निश्चित रूप से फायदा। तो हमारे यहाँ नागपुर में रोड, रोड के ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, ये देश का पहला डिज़ाइन हुआ जो काफ़ी लोग देखते हैं और काफी लोगों ने पसंद किया। हम अभी इसमें आगे इसमें काम करेंगे।